हेलो दोस्तों, मैं हूं सक्षम और आप देख रहे हैं टोनी कोच। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ गिट एंड व्हाट इज़ गिट हब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी से समझेंगे हम। चलिए मान लिया आपको एक डेवलपर है और आपने एक प्रोजेक्ट मिला है और आपने एक टीम बना रखी है। उस टीम में 4-5 लोग हैं और सब कुछ ऑफलाइन वर्क हो रहा है और उस टीम में एक लड़की भी है। अब मान लिया आपको अब प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ बात करनी है, तो आप लड़की उस लड़की से मान लिया वो अपने घर पे रहती है, तो आप कभी भी जाके उससे बात नहीं कर सकते हैं सामने टू सामने, रात में कभी भी, तो बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी दिक्कत तब आती है जब कुछ लोग डेटाबेस बना रहे हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड बना रहे हैं, कुछ लोग बैक एंड बना रहे हैं, पूरे सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लोग हैंडल कर रहे हैं। और जब फाइनली सॉफ्टवेयर बनना होगा तो अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए हमें पेन ड्राइव्स और फाइल्स और ऑनलाइन फोल्डर्स, इन सब की मदद लेनी पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा एक डेवलपर के लिए। और मान लिया आपने आपके सॉफ्टवेयर में 300 से 400 ज़्यादा फाइल होगी, तो उनको हैंडल करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा। और एक डेवलपर के हिसाब से आप वर्ल्ड वाइड में देख लीजिए। मान लिया कोई एक सॉफ्टवेयर ऐप है, उसका डेटाबेस चाइना में हैंडल हो रहा है, उसका फ्रंट एंड अमेरिका में बन रहा है और उसका बैक एंड जापान में हैंडल हो रहा है और कुछ काम उसके इंडिया में हो रहे हैं। अब ये जो MNC है, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो? इन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ताकि ये आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। और इनके ये ऑनलाइन फाइल्स या शेयरिंग ऑप्शन जैसे ड्रॉप बॉक्स, इन सब की मदद थोड़ी ले सकते हैं। पर इन डेवलपर के थ्रू और बढ़िया तरीके से करने के लिए गिट का बर्थ हुआ। और गिट का बर्थ लिनक्स के कर्नल डेवलपर्स ने बनाया था, जो लिनक्स के कर्नल राइट करते थे। और ये उन्होंने ये क्यों बनाया था? क्योंकि ताकि ये प्राइवेटली यानी कि लोकली अपने लिनक्स के जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में डेटा कोड शेयर कर सकें, उसकी फाइल के वर्जन को और अच्छा कर सकें, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे जान सकें और ऑनलाइन काम कर सकें। तो इन्होंने अपने काम को आसान बनाने के लिए GitHub का इन्वेंशन किया था। वैसे अगर आपके पास GitHub नहीं है तो भी बहुत ढेर सारे मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से आप लोग अपने फाइल शेयर कर सकते हैं। बट GitHub के बारे में सिर्फ फाइल शेयर करना नहीं होता, जैसे कि GitHub जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब अभी आपको बताया जाएगा, पर Git की डेफिनेशन जो है वो है Git इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। दूसरा है ये मेनली मर्ज डिलीट और वर्जन फाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन और कब वो फाइल अपडेट हुई है, किसने अपडेट की, किस डेवलपर ने अपडेट की, किस डेवलपर ने क्या लगाया, ये सब भी बताती है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अच्छा है ये, और कोई भी आसानी से कोई भी डेवलपर वर्ल्ड वाइड में इससे कनेक्ट हो सकता है। और सबसे मेन बात इसका क्या है, ये एरर के बाद रोल बैक होगा। मान लिया कोई डेवलपर हुआ है, उसने और एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 200 फोल्डर या फाइल है। अब उसने एक डेवलपर आया और उसने उसके कुछ फाइल्स में एक नई फाइल जोड़ी जो कि एरर्ड फाइल थी, गलती से मान लिया उसने कुछ कोड में गलत कर दिया, जिसकी वजह से अब जो सॉफ्टवेयर था उसका जो आउटपुट था वो गलत आने लगा। तब अगर जो गिट होता है वो क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन होता है, जैसे कि वर्जन 1.0 अच्छा था और वर्जन 1.1 जो बना जो कि उस पर्टिकुलर आदमी ने चेंज किया और वर्जन 1.1 बना दिया, तो वर्जन 1.1 में गलती आ गई जो उसने गलत कोड कर दिया था, तो आप रोल बैक कर सकते हैं, यानी पिछला वर्जन 1.0 उसमें सेव रहता है और आप ये भी जान सकते हैं कि किसने गलती की जिसकी वजह से ये हुआ, तो आप वर्जन 1.0 पे रोल बैक कर सकते हैं आसानी से और आपका प्रोग्राम में कोई गलती भी नहीं होगी और आपको कोड फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसा हम जानते हैं इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, पुल करना, रिक्वेस्ट और इंडेक्स, ये सब आप बाद में देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन है, कैन गिट वर्क ऑफलाइन? यस, बहुत ही आसान है गिट, आराम से आप ऑफलाइन में वर्क कर सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर में लोकली बनाना चाहते हैं और किसी भी चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये गिट यूज़ कर सकते हैं। और हम गिट क्यों यूज़ करें, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए मान लिया आपने एक फाइल बनाई, दो फाइल बनाई, तीन फाइल बनाई, तीन चार फाइल बनाई, मान लिया आपने 20 फाइल बनाई, 20 फाइल बनाई, और उसके बाद आपने एक ऐसी फाइल बनाई जो कि करप्टेड फाइल थी और आपके सॉफ्टवेयर में उसने कुछ करप्ट कर दिया। अब गिट क्या करेगा, गिट से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी फाइल कब बनाई,
आपके फाइल में क्या अपडेट्स हुए, आपके सॉफ्टवेयर में मतलब उस फाइल ने क्या, मतलब ऐसा नहीं है, बट जब आप गिट यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस फाइल ने ऐसा क्या किया। लेकिन जब आप करप्ट फाइल, मान लिया आपने एक फ़ाइल करप्ट बना दी, 20-30 फाइल है, उसमें एक फ़ाइल करप्ट है, तो जब आपने उसका आउटपुट लिया तो ख़राब आ रहा है, मतलब कि आउटपुट नहीं दे पा रहा है ठीक से, तब जब गिट में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये करप्ट फाइल हमने डाली थी जिसकी वजह से ये गलत आउटपुट दे रहा है। तो ये गिट का यूज़ आप इस तरह कर सकते हैं, और मर्ज के लिए भी कर सकते हैं कि आपको दो फाइल ऐड करनी है एक में, तो आप उसके लिए भी गिट का यूज़ कर सकते हैं गिट। और चलिए आगे देखते हैं गिट कमांड्स हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा हो जाता है और केवल व्हाट इज़ गिट था। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब।